चलिए दोस्तों, फिर से आ गए हम नया बड़े बड़े टेक्निक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टेक्निक। आज का जो पहला टेक्निक आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक नया अननोन मॉडल नंबर 10 सर्टिफिकेशन में पकड़ा गया है। अब जो मॉडल नंबर है RMX2121 बताया जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक है, शायद ये रियलमी X3 प्रो हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो दोस्तों, आ रहे हैं रियलमी की तरफ से रियलमी X3 का कुछ स्पेसिफिकेशन कंपनी ने खुद ही टीज कर दिया है। बताया जा रहा है इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर आएगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 4200 एमएच का बैटरी, 30 वाट का चार्जर। अब कुछ ही दिन है दोस्तों, 25 जून को सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आ रहा है रेडमी की तरफ से। बताया जा रहा है दोस्तों, रेडमी 9 जो चाइना पे लॉन्च हुआ है, शायद वो रीब्रांड होके पोको का कोई एक नया मॉडल इंडिया पे आ सकता है। अब पोको हाल ही में बताया है ये एक महीने का अंदर वो लोग एक नया फोन लॉन्च करेगा। अब बताया जा रहा है दो फोन लॉन्च कर सकते हैं। शायद रेडमी 9 का कोई रीब्रांड होके पोको का कोई एक नया फोन आए और पोको M2 प्रो, ये दोनों फोन शायद इंडिया पे आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज का बात करें तो दोस्तों, आ रहा है मोटरोला की तरफ से। आप बता जा रहे हैं मोटरोला ऑन फ्यूजन गूगल प्ले कंसोल पे लिस्ट हो गए। ऑन फ्यूजन प्लस नहीं, एक ऑन फ्यूजन प्लस का लाइटर वाला वर्जन है। अब बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर होगा। अब जैसे जैसे लीक आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहे हुआई की तरफ से हुआई Enjoy 20 Pro लॉन्च हो चुका है दोस्तों। 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट है इसमें, डायमेंसिटी 800 वाला चिपसेट दिया है, फिर से दोस्तों MediaTek वाला चिपसेट यूज किया है Huawei ने। 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 4000mAh का बैटरी, 22.5 वाट का चार्जर दिया है। जो प्राइस रखा है दोस्तों वो है 1999 yuan, जो करीब करीब इंडिया पे पड़ता है 21,500 रुपए। 6GB 128GB वाला वेरियंट है। इसी प्राइस के रिगार्डिंग और एक बात आया दोस्तों, रियलमी X20 प्रो इंडिया पे 32,000 में मिलता है 8GB 128GB वाला वेरिएंट। अब चाइना में दोस्तों सेम वेरिएंट सेम मोबाइल यही प्राइस में मिलता है 1999 yuan, करीब करीब 21,500 रुपए। अगर इंडिया के साथ चाइना का प्राइस अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 10,000 से 11,000 रुपए का गैप रहता है। सेम मॉडल सेम मोबाइल सेम कंपनी, क्या GST के लिए दोस्तों इतना पैसा लगता है? जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे आप लोगों का क्या राय है। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो एक नया एयरबड लॉन्च कर रहे हैं 25 जून को फ्लिपकार्ट के ऊपर। इसका नाम बहुत बड़ा रखा है दोस्तों, ओप्पो एनको W11 ट्रू वायरलेस एयरबड। नाम बहुत बड़ा रखा है दोस्तों, अगर काम भी बड़ा हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। इसका जो प्राइस होगा दोस्तों वो 3,000 रुपए होगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहा है ऑन प्लस की तरफ से। ऑन प्लस नॉर्ड TUV में सर्टिफिकेट हो चुका है, इसमें 30 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा। बहुत ही जल्दी ये फोन शायद लॉन्च हो जाएगा जुलाई का महीने में। नेक्स्ट एंड आखिरी न्यूज है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी NFC पे सर्टिफाइड हो चुका है। अब सैमसंग गैलेक्सी कौन सा मॉडल है पता नहीं, अब बताया जा रहा है ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 हो सकता है। अब दो मॉडल सर्टिफिकेट हुआ है, एक है SM981U और एक है SM986U। अब बताया जा रहा है ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 एंड नोट 20 प्लस हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला प्रोसेसर आएगा, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। अब बताया जा रहा है 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। अब 17 जून को चाइना में क्वालकॉम का एक इवेंट है, शायद उधर पे 865 प्लस वाला प्रोसेसर लॉन्च कर दे। और ये भी लीक्स आ रहा है दोस्तों, शायद उसी इवेंट पे स्नैपड्रैगन 775 वाला प्रोसेसर भी लॉन्च कर दे। अब हो भी सकता है दोस्तों दोनों प्रोसेसर ही लॉन्च कर दे। अब जब आएगा तब वक्त ही बताएगा दोस्तों, 17 जून को ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।